व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान का स्पेशल ड्रिंक, जो आपको बहुत मज़े का लगेगा, आलू बुखारे और इमली का शरबत। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद उज़्मा। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पाव मैंने इमली ली है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसे भगो के रख दिया था तकरीबन 4 घंटे के लिए, और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। एक पाव मैंने लिया आलू बुखारा, इसे मैंने अच्छे से सॉक करके रख दिया था, इसको भी 4 घंटे हो गए हैं और ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। शुगर लिया मैंने 2 कप, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टीस्पून लूँगी काला नमक, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इमली की और आलू बुखारे की सीड अलग कर दूंगी, अगर वो सॉफ्ट हो गए इनके रिमूव कर दूंगी सीड, और रिमूव करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तमाम सीड्स मैंने रिमूव कर लिए हैं, बहुत अच्छा सा पल्प आ गया हमारे पास। आलू बुखारे के भी तमाम सीड्स रिमूव हो गए हैं, और इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इसे हम स्टेन कर लेंगे। बीज के साथ थोड़ा पल्प है, मैं इसे मिक्सी में डाल के इसे ग्राइंड करती हूँ। ये आलू बुखारे का पल्प है, इसे मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया है, ग्राइंड के बाद मैंने स्टेन किया इसको। और ये इमली का पल्प है, इसको भी मैंने अच्छे से स्टेन कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल लिया इसके अंदर। जितना हमारे पास पल्प था उतना ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए, फ्लेम को ऑन कर दें। इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी हो रहा है हमारा, इसे हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। देखें इसमें हम शुगर ऐड करेंगे अब, ये भी हमारी अच्छे से हल हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लें। इसे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं बनते हुए, 10 मिनट हम इसे और बनाएंगे। इसे बनते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी थिक हो गया है, इसे हम मज़ीद 5 मिनट और बनाएंगे ताकि ये और थिक हो जाए। अब इसमें काला नमक ऐड करते हैं, ये फ्लेवर के लिए होता है, और 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक लिया और 1/2 टीस्पून मैंने लिए व्हाइट नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े का बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी लाइफ शेप बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, 2 टेबलस्पून है ये ऐड करूँगी। ये डालने से ही हम इसे तकरीबन 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो 3 मिनट हम और इसे बनाएंगे। इमली और आलू बुखारे का शरबत हमारा बन के रेडी है, काफ़ी हद तक ये ठीक हो गया है। इस पॉइंट पर फ्लेम को बंद कर देंगे, ठंडा होने दें। इमली और आलू बुखारे का शरबत हमारा बन के रेडी है, अब हम इसे सर्व करते हैं। 2 मैंने ग्लास लिए और इसमें
एक टेबल स्पून डालूंगी चिया सीड, इसे मैंने पहले से भिगो के रख दिया था, अच्छे से हमारे फूल गए हैं। पानी ऐड करेंगे, आइस क्यूब डाली है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इमली और आलू बुखारे का शरबत हमारा बनके रेडी है, बहुत मज़े का बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।